अरे वाह, ये तो ईद ही हो गई। इस कंजूस से तो एक पैसा निकलवाना मुश्किल है और अल्लाह ताला ने इतने सारे पैसे डाल दिए मेरे हाथ में। सो गए क्या? नहीं, बस यूं ही, आज थोड़ी सी थकन ज्यादा हो गई। चाय लाई थी आपके लिए। चाय का बिल्कुल मूड नहीं है, दरअसल सर फटा जा रहा है। गोली ले आओगी? हाँ, गोली भी ला देती हूँ, आप चाय पी लीजिए ना, बेहतरी आ जाएगी। अब सर दबा दूँ आपका? सर दबा दूँ? हाँ दबा दूँ। मिया जी, एक बात पूछूं आपसे? इस घर और दुकान के अलावा भी कुछ और है क्या आपके नाम पे? क्या मतलब? आप नहीं, वो दिन में कोई लड़का आया था तो बोला कि एग्रीमेंट की कॉपी चाहिए, किराएदार का बेटा हूँ। मुझे तो कुछ पता था नहीं, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं। ये मसूद साहब भी हद कर देते हैं। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, किसी को भी मुंह उठा के घर भेज दिया। कोई काम होता तो मुझसे रापता करते, कॉल कर देते। वो ही ना, अब मैंने कहा आपसे बात कर ले, मुझे कहाँ पता होता है इन चीजों का। बताया नहीं आपने, कहाँ है वो घर? इसी मोहल्ले में है, दो गली छोड़कर। आपकी पहली बीवी के नाम पे है? नहीं, मेरे नाम पे है। क्यों? नहीं बाप, जिक्र ही नहीं किया आपने कभी, तो मुझे लगा कि उनके नाम पे होगा। हाँ, लेकिन मैंने जरूरी नहीं समझा। अच्छा सुनिए ना, मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो देंगे मुझे? क्या चाहती हो? आपके नाम पे तो घर है ना, तो मेरे नाम कर दे। घर तुम्हारे नाम कर दो? क्यों भाई, ऐसी कौन सी जरूरत आ गई कि मैं अपना घर तुम्हारे नाम कर दूं? क्यों, बीवी नहीं हूं मैं आपकी, इतना भी हक नहीं बनता है क्या मेरा? अब सोच क्या रहे हैं? हाँ, वकील बुला लूं मैं कल? अच्छा देखते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, वादा करना पड़ेगा आपको। शादी से अब तक कोई तोहफा नहीं दिया, मैं नाराज हो जाऊंगी। नहीं, कोई मुनासिब तोहफा मांगती तो दे भी देता, तुमने तो घर ही मांग लिया है। हाँ, अगर प्यार करते होते ना तो ये ना कहते आप, बस शादी करनी थी, अपनी चीजों में शराकत तो करवानी नहीं थी। अच्छा भाई, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैंने कहा ना, मैं सोचता हूँ। अच्छे है ना आप ये ले ना, चाय पी ले, मैं गोली लेकर आती हूँ आपके लिए।